बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रियल स्टेट में अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू इज़ नॉट वेयर यू आर हैव टू इन्वेस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ मैनेजिंग योर पोर्टफोलियो। द मैनेजमेंट ऑफ योर पोर्टफोलियो बहुत सारी चीज़ों को एड्रेस करता है, बहुत सारे रिस्क को आपके जो है वो अवॉइड करता है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। Client of mine purchased a couple of files in Multan, right? Halfway through, हमारे you know COVID का issue आ गया, ये चीज़ें आई। शुरू में example ये हुआ कि prices उस तरह से नहीं ऊपर चढ़ी, balloting में plot थोड़ा सा गलत निकला। Halfway through their investment, they lost patience and they needed money। क्यों? क्योंकि उनको पास कोई पैसा भी cash में नहीं पड़ा हुआ था और उन्होंने सारा पैसा अपना invest कर दिया without taking proper consultancy। What happens is कि जनाब वो उनको एक प्लॉट जो है अपना 5 लाख 7 लाख रुपये नुकसान में करना भेजना पड़ा। आज की तारीख में वो पैसे उनके बराबर हो गए हैं, 4-5-6 महीने की बात थी, प्राइसेस की यू नो अप एंड डाउन होती रहती हैं, बट वो लॉस सिर्फ इस वजह से इनकर हुआ कि हमें 10 लाख रुपये की ज़रूरत थी, 10 लाख रुपये की ज़रूरत पूरी करने के लिए हमें 10 लाख रुपये का नुकसान करना पड़ गया। सो दैट इज़ वॉट आई कॉल वीक प्रोफाइल मैनेजमेंट। और हम इस चीज़ को नहीं देखते, हम यही देखते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं और हमें समझते हैं कि 6 महीनों में कमा लेंगे, और 6 महीनों में जब कमाते नहीं हैं और वो साइकिल नीचे आ जाता है तो फिर हम भागते हैं कि यार ये पैसा बाहर बेचो। बहुत सारे केसेस जो हैं इस डाउन ट्रेंड में मेरे सामने आए, कुछ थे कि जनाब पैसे चाहिए बच्चों की एजुकेशन के लिए बाहर भेजना है, प्लॉट्स उन्होंने पहले महंगे पैसों के लिए, दे हैड नो आइडिया कि यार हमें अगले 6 महीने साल के अंदर पैसे, तो इसका रियल स्टेट से इतना ताल्लुक नहीं है, बट इसका जो अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है कि आपने अपने फाइनेंसिस को किस तरह ठीक रखना है। बिकॉज जितनी आपकी होल्डिंग पावर होगी उतना ज़्यादा आप जो है वो पैसा रियल स्टेट के अंदर कमा सकेंगे। वॉरेन बफे एक बड़ा फेमस कोट है, वो स्टॉक्स के बारे में कहता है जी कि व्हाट यू कैन नॉट और यू डू नॉट वॉन्ट टू होल्ड फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स डू नॉट होल्ड इट फॉर इवन 5 मिनट्स। सो जब भी आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट करें तो मेक श्योर कि आपके पास इतनी होल्डिंग पावर हो कि आप उसको अगर 10 साल के लिए भी आपको अपने पास रखना पड़े और इतना आपको यकीन हो अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, कॉन्फिडेंस हो, तो आप उसको रख सकें, वो प्रॉपर्टी आपको इतनी पसंद हो, अदरवाइज आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट मत करें। बिकॉज अब हम एक अप ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं एंड इट्स द बिगिनिंग ऑफ द अप ट्रेंड, तो अब वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट, क्योंकि इसके अंदर भी अप ट्रेंड के अंदर भी हमारे कुछ जगहों के ऊपर करेक्शंस आएंगी, डाउन ट्रेंड आएंगे छोटे लेवल के, तो उसके अंदर जो है वो हम अगर फंस जाएंगे और हम तो हम अपने लॉस करते रहेंगे। और बहुत सारे लोग ये काम करते हैं सीकिंग अर्लियर बेनिफिट्स एंड अर्लियर गेंस के जी 4 महीने में हमें मिल जाए पैसे, बस से ज़्यादा हम पैसे नहीं लगाते। मुझे अक्सर का फ़ोन आता है एक बंदे के जी कि मुझे बस पैसे हैं मेरे पास 6 महीने के लिए मैंने लगाने, तो मैं हमेशा उनको इनकार कर देता हूँ, हालांकि मैं लगवा सकता हूँ, तो मैं उनको समझाता ज़रूर हूँ एटलीस्ट कि भाई 6 महीने का सोच के ना लगाएं, 6 महीने का आपको नहीं पता, लेकिन एक रिलेटिवली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के परस्पेक्टिव में ज़रूर लगाएं। फाइनली शॉर्ट टर्म में अगर बेनिफिट हो जाता है तो बेच दें, नो वन इज स्टॉपिंग यू, बट अगर आप शॉर्ट टर्म का परस्पेक्टिव रखेंगे तो यू आर रिस्किंग अ लॉट, बिकॉज अगर आपको पैसे चाहिए तो आपने, तो लेट सपोज आपने बिजनेस करना था, आपको 2021 में 2 करोड़ रुपये चाहिए, आप अभी सोचें यार अच्छा अर्निंग करना 6 महीने आस्ते, यू नो आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन फेज 8, आपने फेज 8 के अंदर इन्वेस्ट कर लिया, 4 महीने ट्रेंड ऊपर जाता है, 2 महीने के लिए उसके पैसे 20 लाख रुपये 30 लाख रुपये नीचे आ जाती हैं, आप जो है आप उसको बेचने जाते हैं, आपका टाइम आ गया, आपको 2021 में पैसा चाहिए, आप बेचने जाते हैं तो वो कहते हैं जी अब तो प्राइस वही है जो आपने लिया था या उससे 5 लाख भी कम हो गई है, अब या मुझे नुकसान हो गया। दिस इज़ वॉट most of us do wrong, so this is where we need to focus first of all। अब आगे जाके हमने इन्वेस्टमेंट्स करनी है, सो हमने अपने सबसे पहले ये करना है, हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना। सो एज अ जनरल रूल ऑफ थम वट आई सजेस्ट इज कि नो मैटर वट अमाउंट ऑफ मनी यू हैव, 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, 50 करोड़ है, 100 करोड़ है आपके पास, 20% कैश इन हैंड, राइट, ये आपके पास कैश इन हैंड होना चाहिए टू मीट एनी प्रॉब्लम्स विच यू आर मे हैव इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। तो 2 से 3 सालों में अनफॉरसीन के लिए आपके पास ये
कैश अमाउंट होनी चाहिए। ठीक है, ये कैश अमाउंट अनफॉरसीन के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है और ये कोई अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। सो 20% ऑफ वट एवर पोर्टफोलियो यू हैव एज अ रूल ऑफ थंब दैट शुड बी केप्ट एज कैश इन हैंड एंड अनफॉरसीन अमाउंट। उसके बाद रफली वी कैन से 20-30% जो आपका पोर्टफोलियो है वो रेंटल प्रॉपर्टीज का होना चाहिए। रेंटल प्रॉपर्टीज आपको दो एजेस देती हैं। सबसे पहले ये कि ये आपको मंथली इनकम देगी और सेकेंडली ये आपको जो है वो स्लोअर कैपिटल गेन्स भी देंगी। मंथली इनकम आपके लिए बहुत जरूरी है। मंथली इनकम से आपको फायदा ये होगा कि आपकी ये जो चीज है ये फर्दर सप्लीमेंट हो रही है। सो लाइक सपोज आप बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस में फॉर सम ऑड रीजन कुछ दिनों के लिए कुछ चंक पैक हुआ, कुछ आपको प्रॉब्लम हुए या आपको फॉल आउट हुआ है, तो अब आपने उसको रिकवर करना, तो आपके यहाँ से कुछ पैसे आपको मिल रहे हैं, आपका किचन चीज़ें सारा कुछ जो है वो चल रहा है, प्लस इससे आपका ये पैसा बढ़ता रहेगा। सो सपोज अगर आप यूटिलिटी में यूर बिजनेस मैन, आप उधर से अर्न कर रहे हो, वहाँ से आप सेविंग भी कर रहे हो, प्लस आपके बच भी रहे हैं, तो इवन देन इट इज़ अ गुड थिंग फॉर यू। ये आपका पैसा जो मंथली आपको आ रहा है ये आपके कैश इन हैंड में चेंज होता रहेगा एंड उसको आप अगेन अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट्स में या इधर उधर आप इन्वेस्ट कर लेंगे। बाकी का जो आपके पास 50% पोर्टफोलियो है दैट यू कैन गो एंड प्ले इन कैपिटल गेन्स। इसको फर्दर आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल वन डाइवर्सिफिकेशन कैन बी कि यार इसमें से मैंने यू नो मैंने कुछ प्लॉट्स लेने हैं, मैंने कुछ हाई राइज में इन्वेस्ट करना है, ठीक है जी, और या मैंने जो है वो क्या कहते हैं फाइल्स के अंदर इन्वेस्ट करना है। सो इस 50% को आपने अपनी इन तीन चीजों के अंदर आगे फर्दर डाइवर्सिफिकेशन करना। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक बंदे के पास 10 करोड़ रुपया है और ये 10 करोड़ रुपये के अंदर उसके पास ऑप्शंस हैं, तो आई विल मेक अ वीडियो कि अगर आपके पास 10 करोड़ का कैश है तो आपने उसको किस तरह से इन तीन चीज़ों में, व्हाट इज द बेस्ट वेज टू इन्वेस्ट इन विदाउट ओवर डाइवर्सिफाइंग योरसेल्फ, और कौन सी एरिया जिस वक्त एग्जिस्ट करते हैं जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और कितने कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। बट जस्ट फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी आपके पास ये 10 करोड़ रुपया था और आपने आज फैसला किया कि यार आज मैं जो है ना वो ऐसा करता हूँ, मैं इन्वेस्ट करता हूँ, क्या करते हैं आप एक कमर्शियल लेते हैं, आपने सही फैसला किया कि 10 करोड़ रुपया जो आपके पास था कैश इन हैंड आपने 10 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया। सो लेट्स सपोज अगर कल को आपको 4 महीने बाद पैसे की जरूरत पड़ जाए, खुदा ना खास्ता कोई जिस तरह ये भी ग्लोबल कैटास्ट्रोफी हुई, इस तरह से कोई और कैटास्ट्रोफी हो जाए, तो वेयर डू यू स्टैंड राइट? और कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज या कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो वेयर डू यू स्टैंड विद दिस कमीशन? सो आपका रिस्क बहुत ज़्यादा है अपनी पूरी 100% इन्वेस्टमेंट को एक सिंगल एंटिटी में रख के, एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई लॉट ऑफ पीपल फेल इन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड उन्होंने अपने आप को जो है किस तरह से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को किन किन जगहों पर लगाना है, एंड देन हाउ टू मेक मनी आउट ऑफ इट फ्रॉम ऑल दिस पर्सपेक्टिव्स। क्योंकि यहाँ पर आपके पास होल्डिंग पावर भी आ रही है, आपको आपके पास टाइम भी है, आप यहाँ पे मुख्तलिफ तीन जगहों पे जा भी रहे हैं, आपके पास 5 करोड़ के अंदर आपको प्लॉट भी आ जाएगा, आपकी फाइल्स भी कोई 2-3 आ जाएगी, आपके पास एक तो प्रोजेक्ट अपार्टमेंट्स भी आ जाएंगे, इधर आपके पास रेंटल प्रॉपर्टीज बनी हुई है जो गेन आपकी मंथली इनकम आपको दे रही है, आप वहाँ से भी सेफली सिक्योर हैं, यहाँ से आपके पास 20% यू आर इन हेवन एंड यू डोंट हैव टू वरी, एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कभी भी वो एक उर्दू की कहावत है ना, अपनी चादर देख के पाँव फैलाए, अपनी चादर दे के पाँव फैलाए, और इंशाल्लाह ताला जो कामयाबी है वो आपके कदम चुमेगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।